खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टिडवा चिलौला लखीमपुर रोड सीतापुर वंस एंड पेटल्स फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर आज की प्रमुख खबरों पर। यूपी में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा के वादों पर अमल करने की कवायद शुरू। विधानसभा चुनाव निपटे, अब यूपी की 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव की शुरू हुई कसरत। दिल्ली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के नामों पर हुई चर्चा। छुट्टा मवेशियों से होने वाली समस्या को लेकर पशुपालन विभाग ने शुरू किया नए सिरे से मंथन। शहर में दादी बाबा परिवार ने धूमधाम से मनाया श्री श्याम निशान यात्रा फागुन महोत्सव। सीतापुर के सभी थानों पर आयोजित संवाद दिवस में विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। 11वें व अंतिम पड़ाव मिश्रित पहुंची 84 कोसी परिक्रमा, अब पंचकोसी परिक्रमा शुरू। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी से भड़की करणी सेना ने उठाई कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब जनता से चुनाव के दौरान किए गए वादों पर अमल करने की कवायद शुरू हो गई है। इसे लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शासन के वरिष्ठ अफसरों संग बैठक की। इसमें उज्ज्वला योजना की सभी पात्र लाभार्थियों को पहला मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर होली पर देने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था तथा मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी कार्रवाई पर विचार विमर्श करते हुए क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों पर चुनाव की कवायद शुरू कर दी है। एमएलसी पद के लिए 15 से 22 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 9 अप्रैल को मतदान होगा। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा ने करीब 20 से अधिक सीटों पर ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी की है जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। हालांकि विधानसभा चुनाव हारे कुछ मंत्री और विधायक भी परिषद चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस दौरान मंत्रिमंडल के नामों को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी योगी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव में छुट्टा गोवंश से किसानों के नुकसान की समस्या के समाधान को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में छुट्टा गोवंश से किसानों की फसलों के नुकसान का मुद्दा खूब उछला। यह मसला इस कदर गरमाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी रैलियों में इस समस्या के समाधान के लिए आश्वासन भी देना पड़ा। अब चुनाव नतीजे आने के बाद पशुपालन विभाग इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर विचार विमर्श में जुट गया है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर चर्चा व सुझाव लिए जा रहे हैं। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विशेष शिविर के छठे दिन प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के निर्देशन में ग्रामीण बच्चों के बीच योगाभ्यास का सत्र आयोजित किया। स्वयंसेवक मनमंथ मानव विशेष त्रसा एवं स्नेहा ने ग्रामीण बच्चों को योगाभ्यास के दौरान योग के विभिन्न आसन कराए। स्वयंसेवक स्वच्छत ने ग्रामीण बच्चों को योग के लाभ से अवगत भी कराया। विशेष शिविर के द्वितीय सत्र में कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दया श्रीवास्तव ने स्वयं सेवकों को समाज सेवा के अंतर्गत किसानों की यथासंभव सहायता करने के लिए प्रेरित किया। किसानों को उर्वरक स्वयं बनाने, बीज का भी स्व उत्पादन करना एवं कृषि लागत कम करने हेतु क्या करना है तथा पशुपालन के विषय में जानकारी स्वयं सेवकों को दी गई। प्राचार्य डॉक्टर फादर डेनी ने स्वयं सेवकों का उत्साहवर्धन किया। यूपी में दोबारा भाजपा सरकार बनने पर भाजपाई खेमा जश्न में डूबा हुआ है। इसी क्रम में आज नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीते सभी विधायकों को बधाई दी। नगर अध्यक्ष ने कहा कि यह जीत उन जनता की है जिसने योगी पर भरोसा जताया है। इस मौके पर नगर कोषाध्यक्ष शुभम पल्लव गुप्ता, विक्रम सिंह, शिवांशु, अंकित आदि मौजूद थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दादी बाबा परिवार की तरफ से श्री श्याम निशान यात्रा फाल्गुन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रविवार की सुबह से ही भक्तों में उत्साह देखने को मिला। रानी सती मंदिर से निकली यात्रा ने शहर में भ्रमण किया। शोभा यात्रा में दादी परिवार की महिलाएं व पुरुषों ने खूब रंग गुलाल उड़ाया। रानी सती मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। शहर के रानी सती मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को मंदिर में छप्पन भोग लगाया गया, फिर भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवीन अग्रवाल, अंजनी लाठ, मनीष लाठ, मनोज अग्रवाल, ऋषि जायसवाल, रोहन अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, तुषार कनौडिया, साकेत लाठ, मोनू कनौडिया, आशीष जिंदल, अंशु जिंदल, संदीप भरतिया, श्यामू बंसल आदि मौजूद थे। सीतापुर सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा स्थानीय पूर्णागिरी नगर में नगर अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी के संयोजन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कोषाध्यक्ष विशंबर दयाल तिवारी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति भव्य रूप से होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा तथा आगामी 20 मई को जनपद में समाज द्वारा कन्या विवाह व बटुकों का उपनयन संस्कार संपन्न कराया जाएगा। इस निमित्त दिनेश चंद्र मिश्र व शशिकांत तिवारी को स्वागत अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। प्रदेश संयोजक शिव कुमार अवस्थी व संरक्षक कमलेश पांडे ने बताया कि जो भी कार्यक्रम होने हैं उनकी रूपरेखा सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी व महिला अध्यक्ष शशिकांत तिवारी बनाकर उसे भव्यतम रूप देने का कार्य करेंगे। करणी सेना सीतापुर के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ने मछलेटा थाना प्रभारी को तहरीर देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्राह्मण और ठाकुरों को अपशब्द बोलने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में कहा गया कि खुसलापुर मजरा भेड़ोरा थाना क्षेत्र मछलेटा निवासी अमर यादव पुत्र पत्नू ने अपना एक वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक आईडी पर अपलोड किया है, जिसमें सीएम समेत ब्राह्मण व ठाकुर वर्ग के लिए अपशब्द कहे हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी कृत्य के लिए करणी सेना ने कार्रवाई की मांग उठाई है। सनातन ब्राह्मण समाज की बैठक में सर्वसम्मति से नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नगर मंत्री वैशंपायन, शास्त्री नगर उपाध्यक्ष संजय अवस्थी, अमरीश त्रिवेदी, सरवण कुमार, शास्त्री नगर महामंत्री कृष्ण कुमार वाजपेयी, कोषाध्यक्ष योगेन्द्रनाथ पांडे को मनोनीत किया गया। बैठक में मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्र, मंडल उपाध्यक्ष आकाश राय, आचार्य ब्रजेंद्रानंद, श्रवण कुमार दीक्षित, वेद प्रकाश त्रिवेदी, कृष्ण कुमार शास्त्री, लल्लू राम वाजपेयी, कृष्ण प्रकाश वाजपेयी, सीमा वाजपेयी, प्रतीश मिश्र, इंदिरा पाल तिवारी, सविता पांडे, संजय अवस्थी आदि मौजूद थे। सीतापुर आंख अस्पताल में हर साल की तरह इस वर्ष भी ग्लोकोमा सप्ताह मनाया गया। शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। कैंप मैनेजर अमित सिंह ने बताया, रैली के माध्यम से लोगों को सबलवाई के बारे में जागरूक किया गया। रैली को सीएओ दीपक कनाडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अस्पताल से निकलकर विभिन्न मार्गों पर होते हुए पुनः आंख अस्पताल पहुंचकर रैली का समापन हुआ। रैली में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ आदि काफी संख्या में लोग शामिल थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर लहरपुर एसडीएम पीएल मौर्य,
खनन अधिकारी संजय प्रताप, तहसीलदार दिलीप सिंह, सीओ सुशील सिंह, कोतवाली प्रभारी मनीष सिंह की टीम ने अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई की। जनता ब्रिकफील्ड और राजा ब्रिकफील्ड पहुंचकर बुलडोजर से कच्ची ईंटों को रौंदते हुए फिर वहां पानी भरवा दिया गया। एसडीएम पीएल मौर ने बताया कि इन भट्टों की एनओसी न होने के कारण और मानक रूप सामग्री का उपयोग न होने के कारण भट्टों को सीज किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई बेटा के कार्यकारिणी गठन को लेकर आम सभा का आयोजन बीआरसी बेटा में जिला प्रचार मंत्री विकास सैनी एवं बेटा अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी संरक्षक के लिए वरिष्ठ शिक्षक ब्रजेश जायसवाल व मंत्री पद के लिए पंकज साख को मनोनीत किया गया। इस मौके पर जमुना सागर वर्मा, धीरेन्द्र विक्रम सिंह, नरेंद्र यादव, विमल वर्मा, जयप्रकाश, प्रदीप वर्मा, राहुल सिंह, कौशल किशोर, कमरुल हसन आदि मौजूद थे। 84 कोसी परिक्रमा रविवार को अपने अंतिम व 11वें पड़ाव महर्षि दधीच की नगरी मिश्रिक पहुंच गई। संतों और महंतों के मिश्रिक पहुंचते ही पंचकोसी मेला मैदान अलौकिक छटा से खिल उठा। साधु संत व महंतों ने 5 कोस की परिधि के अंदर डेरा डाल रखा है, जिनकी परिक्रमा मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालु कर रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा शुरू होने पर एसडीएम मिश्रिक गौरव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार, भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे आदि ने भंडारे में प्रसाद वितरित किया। थानगांव थाना क्षेत्र के मियापुरवा चौराहे पर लखनऊ से आई एक रोडवेज बस से एक युवक को नीचे उतारा गया जो बेहोशी की हालत में था। काफी देर तक सड़क के किनारे पड़े रहे उस युवक को स्थानीय लोगों ने सीएचसी देवसा में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत सामान्य न होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि युवक जहर खुरानी का शिकार हुआ है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह के निर्देशानुसार रविवार को समस्त थानों पर संवाद दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी थाना कार्यालयों पर प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्षों द्वारा थानों पर उपस्थित पुलिस कर्मियों के साथ आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विभिन्न विषयों पर वार्ता की गई। वार्ता के दौरान पुलिस कर्मियों ने अपनी व्यक्तिगत व कार्यकारी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसके निस्तारण के लिए आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश संबंधित को दिए गए। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नवागांव निवासी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रकोष्ठ सीतापुर जिला अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा कुंडा से विधायक निर्वाचित हुए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को उनके लखनऊ निवास पर फूलमाला पहनाकर जीत की बधाई दी। युवा प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा रंजीत सिंह, ज्ञानू सिंह, छोटू सिंह, सोनू ठाकुर, जीतू वाजपेयी, मोहम्मद ताली, विनीत ठाकुर, विवेक सिंह चौहान, शिवम सिंह चौहान आदि मौजूद थे। सीतापुर की कोतवाली देहात इलाके के दलावलपुर में बीती रात देवकी पुत्र रोहन के मकान में आग लग गई। घर वाले कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पीड़ित हरीश, कमलेश, सुरेंद्र, हेमराज, रंजीत आदि पर जमीनी विवाद के चलते आग लगाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों के दो दो लोगों के विरुद्ध शांत भंग के तहत कार्रवाई की है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हरदी निवासी राकेश कुमार यादव लगभग 25 वर्षों से कारोबार के सिलसिले में पंजाब आते जाते रहते हैं। उनका मकान भावी मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान सिंह के पड़ोस में बना हुआ है। सरदार भगवंत मान सिंह की जीत की खुशी में राकेश यादव ने उनके निवास पर जाकर फूलमाला पहनाकर जीत की बधाई दी। 1 क्विंटल 11 किलो लड्डू मोहल्ले में बंटवा कर सभी का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर विधायक सरदार तरनप्रीत सिंह खन्ना मौजूद थे। कसमंडा स्टेट के कुंवर व भाजपा नेता दिनकर प्रताप सिंह ने बिस्मा विधायक निर्मल वर्मा, सदर विधायक राकेश राठौर गुरु, मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी, हरगांव विधायक सुरेश राही, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सभी को पुष्प गुच्छ देकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर अखिलेश पांडे, मधुकर पांडे, कल्लू सिंह, विपुल वाजपेयी, ज्ञानेन्द्र धनगर आदि मौजूद थे।
बिसवा के मोहल्ला शंकरगंज स्थित स्वर्गीय किशोरी लाल वर्मा के आवास पर नितिन वर्मा व पवन वर्मा ने विधायक निर्मल वर्मा का स्वागत किया। निर्मल वर्मा को उनके वजन के बराबर लड्डुओं से तौला गया। निर्मल वर्मा के विधायक बनने पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस मौके पर जगदीश वर्मा, सोनू वर्मा, श्याम अवस्थी, विदेश वर्मा, मधुकर वर्मा, संदीप वर्मा, राहुल मिश्रा, मानव शुक्ला, छोटा वर्मा, मोना वर्मा, बबलू वर्मा आदि मौजूद थे। हरगांव थाना क्षेत्र के दतेली मार्ग पर कबीरपुर मोड़ पर गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में खाई में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर का बायां पहिया गड्ढे में पड़ने से टूटकर अलग हो गया और ट्रैक्टर एक नीम के पेड़ के सहारे जाकर टिक गया, जिसे ट्रैक्टर चालक संदीप कुमार व उस पर सवार एक युवक बाल बाल बच गए। सिधौली के युवा भाजपा नेता निशांत मिश्रा ने लखनऊ में ब्रजेश पाठक के आवास पर फूल माला पहनाकर उनके जीत की बधाई दी। इसके अलावा निशांत मिश्रा ने राजेश्वर सिंह के आवास पर पहुंचकर फूल माला पहनाया, यहां पर लड्डू बांटकर जीत की उन्हें बधाई दी। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। इस इलाके में मिट्टी के साथ ही बालू का अवैध खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अवैध खनन की रोकथाम का जिम्मा संभालने वाले विभागों के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। इलाकाई नागरिकों ने अवैध खनन पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। नगर पालिका सीतापुर में आनंद नगर के सभासद संजय राठौर सपा के नगर अध्यक्ष भी हैं। संजय राठौर ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वह अपना बूथ ही पार्टी को नहीं जिता पाए, ऐसे में उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सिधौली विधानसभा सीट से रनर अप रहे सपा के हरगोविंद भार्गव ने वीडियो संदेश के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए धन्यवाद भी दिया, कहा कि वह हर समय कार्यकर्ताओं के साथ हैं। पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव ने सपा कार्यकर्ताओं से 2027 के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक अनिल वर्मा ने सीतापुर की 9 सीटों में से एकमात्र सीट जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डाली है। नवनिर्वाचित सपा विधायक अनिल वर्मा का स्वर्गीय छोटन्ने बेग के आवास पर सपा नगर उपाध्यक्ष सलीम बेग, बल्लू व कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया। विधायक अनिल वर्मा ने कहा, मेरी जीत पूरी विधानसभा की जीत है। इस मौके पर नगर उपाध्यक्ष नईम बेग, अजमत अली, सलमान बेग, उस्मान बेग, वसीम बेग, एहसान बेग, इफहाम बेग, सहनवाज बेग, अशान बेग, अरमान बेग, स्वयं बेग, जेद बेग, अली बेग, नशरत अली, रहमत अली आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स, एनीवेयर, एनीटाइम।